पुरी कहिए या फिर जगन्नाथपुरी कहिए, वैसे तो ये शहर बे ऑफ बंगाल के किनारों पर बसा हुआ है। बट अगर आप समुद्र के पानी में नहाते हैं तो आप ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो डिहाइड्रेट होते हैं। वैसे तो इस जान का खतरा ज़्यादा बना रहता है क्योंकि समुद्र की लहर कब आएगी और आपको लेकर चली जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क एंड रिसोर्ट पुरी, बिगेस्ट वाटर पार्क इन ओडिशा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश आज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इट्स शैलेश आज। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं टिकट का प्राइसिंग क्या है, आप कब आ सकते हैं, टाइमिंग क्या होता है, आपके लिए कौन सा टिकट बेस्ट रहेगा, सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वाटर पार्क की लोकेशन की बात करें तो पूरी शहर को हमसे बेटर आप जानते हैं। वैसे गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से पहुँच सकते हैं। सुबह इस वाटर पार्क की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, मंडे टू संडे। वाटर पार्क में पार्किंग बिल्कुल फ्री है 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए। इस साइड में 4 व्हीलर का पार्किंग है, उस साइड में 2 व्हीलर का पार्किंग है। और ये हो गया वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क एंड रिसोर्ट का गेट एंट्री का मेन गेट, और यहाँ पे नॉर्मल टिकट के लिए एंट्री होता है, उस साइड में VIP के लिए, और इस साइड में टिकट काउंटर। तो आज लेंगे हम VIP टिकट भाई, VIP आदमी के लिए VIP टिकट। अच्छा वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क की अगर टिकट की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आपको 700 रुपये लगेंगे, चाइल्ड के लिए 600 रुपया और सीनियर सिटीजन के लिए 500 रुपया। वीकेंड के दिन आते हैं संडे सैटरडे, और वीकेंड के दिन तो 749 लगेगा और चाइल्ड के लिए 649 लगेगा, सीनियर सिटीजन के लिए 549 लगेगा। उसमें पार्क एंट्री है, लंच है, लॉकर, बैगेज और कॉस्ट्यूम रेंट 2 पीस। इधर VIP टिकट के लिए अलग अलग है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर सारे टिकट प्राइस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और वंडर वर्ल्ड का डेकोरेशन बहुत सही रहता है भाई, देख सकते हैं डेकोरेशन। लास्ट ईयर विजिट किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग का टाइम आया था ना इसकी वजह से। इधर में हो गया नॉर्मल टिकट का एंट्री हो रहा है, VIP लॉन्च वेलकम उधर में। तो यहाँ से हो गया VIP का भाई, VIP में बहुत भीड़ है। वंडर वर्ल्ड वाटर पार्क के अंदर हॉर्स राइडिंग है, 2% के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, जिप राइडिंग के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप VIP टिकट लेते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है मैं बता देता हूँ एक बार। VIP टिकट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? VIP में आपको स्टार्टिंग से वेलकम ड्रिंक्स मिलेगा, वाटर बॉटल मिलेगा, कॉस्ट्यूम लॉकर के साथ लंच भी मिलेगा, लंच आपको AC हॉल में प्रोवाइड करेंगे, रूम पर आप वेज नॉन वेज सारे ले सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, कैश, एवरीथिंग से। सेम प्रोसीजर, हाथ पर बैंड बांधा जाएगा, बैग चेकिंग होगा, उसके बाद एंट्री हो जाएगा और आपको लंच के लिए कूपन दे दिया जाएगा पहले ही। और अगर कॉस्ट्यूम लॉकर फ्री है बट उसके लिए सिक्योरिटी मैन देना पड़ेगा, ये कूपन है फूड के लिए। जस्ट यहाँ पर आपको वेलकम ड्रिंक और 1/2 लीटर बोतल मिल जाएगा, वाटर बोतल। जस्ट वहाँ से एंट्री करने के बाद इधर हो गया आपका लॉकर सेक्शन और चेंज रूम सेक्शन। इस साइड में आपको मिल जाएगा कॉस्ट्यूम और लॉकर की चाबियाँ। तो चलते हैं, कॉस्ट्यूम का पहले लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट्यूम फ्री इसलिए ले ले रहा हूँ, और लॉकर का चाबी लेता हूँ। अगर आप परमानेंट कॉस्ट्यूम और भी बहुत कुछ है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्या प्राइसिंग है देख लेते हैं। लेडीज़ के लिए कॉस्ट्यूम है और जेंट्स के लिए कॉस्ट्यूम है, क्या प्राइसिंग है सर? प्राइसिंग आपका 300 से शुरू होता है, 700-800। इसमें क्या क्या है? कॉस्ट्यूम है, सन ग्लासेस है, और क्या है? स्विमिंग ग्लास है, सन ग्लास तो नहीं रहेगा, स्विमिंग ग्लास वगैरह है, बाकी कॉस्ट्यूम है और वो सब जो खिलौना है वो भी सेल के लिए। सेल के लिए अगर आप कोई भी टिकट लेकर एंट्री करते हैं इस वाटर पार्क के अंदर, या फिर VIP या फिर नॉर्मल टिकट, सिर्फ आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा कॉस्ट्यूम और लॉकर के लिए। टॉवल अगर लेते हैं तो 50 रुपये आपको रेंट लगेगा और 150 रुपये डिपॉजिट, मतलब टोटल 200 रुपये देंगे, उसमें आपको 150 रुपये रिटर्न हो जाएगा। इस साइड में आपको बिलिंग काउंटर हो गया, यहाँ पर आपको लॉकर की चाबियाँ मिल जाएंगे, लॉकर सेंसरेबल।
अगर आप सिंगल आते हैं तो वन लॉकर काफ़ी सफिशिएंट होगा, देख सकते हैं मेरा बैग आराम से रखा गया, मतलब सफिशिएंट है। सेंसरेबल लॉकर उस साइड में, लेडीज़ के लिए चेंज रूम, इस साइड जेंट्स के लिए चेंज रूम। तो चलते हैं, चेंज करते हैं कॉस्ट्यूम। भाई ऐसा दिख रहे हैं आप, और चेंज रूम नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक तरह से। और इस बार मैंने लिया है वंडरवर्ल्ड का कॉस्ट्यूम, मुझे कॉस्ट्यूम बहुत फटता है भाई, इसके वजह से अपना कॉस्ट्यूम मैंने नहीं पहने, फ्री का था तो इसकी वजह से ले लिया। और ये हो गया वाशरूम सेक्शन, इधर में टॉयलेट सेक्शन, इधर वाशरूम, इधर मिरर सेक्शन। भाई क्लीननेस को देख सकते हैं, एक तरफ से गंदा हो रहा है, एक तरफ से साफ़ किया जा रहा है, भाई हाइजीनिक तरह से क्लीन है। ये देखिए साफ़ सफाई को ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से आपको पहले ही बताता हूँ, वंडरवर्ल्ड वाटर पार्क के अंदर रिसॉर्ट भी है। रिसॉर्ट को बुकिंग करने के लिए डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप बात कर सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा सर। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था कि आप हमारे यहाँ पे स्टेइंग करने के लिए भी रूम भी अवेलेबल रहते हैं और टेंट भी अवेलेबल रहते हैं। और जो रूम का हमारा प्राइस रहता है वो 7000 रुपीज़ रहता है, सॉरी 6000 रुपीज़, स्टार्टिंग प्राइस 6000, उसके लास्ट प्राइस, और लास्ट प्राइस भी 7000 रुपीज़ रहता है। दो टाइप का हमारा रूम रहता है, एक डिलक्स रूम और एक VIP एग्जीक्यूटिव रूम। और उसमें आपका फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, 5 times का फूडिंग प्रोवाइड किया जाता है, और सारा वाटर एक्टिविटी रहेगा, और हॉर्स राइडिंग, जीप राइडिंग, ये हमारा कम्प्लीट रहता है। तो जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे कैंपिंग के लिए हॉर्स राइडिंग, जीप राइडिंग बहुत कुछ है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनका वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वैसे इनका नंबर मैं डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं, क्या क्या राइड्स है, क्या चीज़ है, सब कुछ डिटेल में बता देगा, उसके बाद आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। वंडरवर्ल्ड वाटर पार्क एंड रिसॉर्ट के अंदर टोटल ये वाटर पार्क को 6 सेक्शन में बांटा गया है, आपको इसमें 30 से भी ज़्यादा राइड्स हो गए हैं, अट्रैक्शन है, सब कुछ इंक्लूड करके 30 से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको अट्रैक्शन बताया गया है, किस साइड में क्या क्या है। तो सब लास्ट टाइम मैंने जब विजिट किया था ना, तो काफ़ी सारे राइड इसमें नहीं किया था क्योंकि उसमें भीड़ नहीं था, बट इस बार काफ़ी भीड़ है भाई, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए चश्मा लगा लिए। ये किड्स पूल, यहाँ पे देखिए छोटे बच्चे के लिए थोड़ा राइड, वाओ यार कूल, दम कूल। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस एक सिंपल सा राइड है बच्चों के लिए, और थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे है भाई बकेट, भरने के बाद गिरेगा वो, देखिए थोड़ा वेट करें भाई, ये वाला ओ ओ लाइफ गार्ड इज एवरी वेयर, सगुरो आपको लाइफ गार्ड देखने को मिल जाएगा अंडरवर्ल्ड के अंदर। इस साइड में हो गया किड्स सेक्शन और जंगल फ्रेंड्स, वाओ तो कूल यार। जंगल फ्रेंड्स के अंदर सभी लोग एंजॉय करते हैं, छोटे बड़े हर को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेफ राइड्स हैं। इनका जंगल फ्रेंड्स में लगभग 10 से 12 राइड्स हैं, और जिसमें ब्लैक हो गया, लूपी हो गया, और छोटे बच्चे के लिए राइड्स हो गया। और चलते हैं एक एक सभी राइड को ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसलिए थोड़े बहुत आपको क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग राइड की तरफ बढ़ेंगे।
वाटर पार्क एंड रिसोर्ट का फूड कोर्ट एरिया। लंच टाइम होता है 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अगर आप नॉर्मल टिकट लेकर आते हैं ना, इस साइड में बैठकर आपको खाना पड़ेगा, वो भी आपको खुद से मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फूड मिलेगा। बट VIP में आपको ये है कि आपको जो मेनू मिलेगा उसमें आप अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं, बस उसमें से वाटर बोतल जो है ना वही आपको सिंगल मिलेगा। तो आई होप कि VIP टिकट ही अच्छा है यार नॉर्मल टिकट से। ये है VIP के लिए फूड कोर्ट एरिया। अगर आप VIP टिकट लेते हैं तो यहीं पे बैठ के खाना पड़ेगा। इस साइड में आपको फूड सर्व होता है, इस साइड में आप बैठ के खा सकते हैं। सो गाइस, इस वाटर पार्क के अंदर कैमरा और कुछ भी राइड के समय अलाउ नहीं है, बट मुझे बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, बिल बहुत मुश्किल से। यहाँ तक मैनेजर से मुझे होटल लेना पड़ा और हेड माउंट का सहारा लेना पड़ा। Insta360 यूज नहीं किया, बहुत कम मतलब यूज ही नहीं करने दिया एक तरह से कह सकते हैं। और चलते हैं इस साइड में दो राइड्स है, बड़े बड़े जितने राइड्स है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक राइड चल रहा है, और उस साइड में 2-3-4 राइड्स है। चलेंगे उस साइड पहले, इधर वाला राइड करते हैं। मैं कैमरा इज ऑन फ्रंट आ गया। That's leg here, leg here. ये सही था गुरु। तो सही था। भाई भाई सही है, सही है। ओ, ओ, भाई क्यों जस्ट वेबपुल के बगल में ही आपका इधर और सब राइड्स हो गए हैं। उस साइड में दो राइड्स, इस साइड में और राइड्स हैं। तो चलते हैं ओके करके इसमें राइड्स को सभी को ट्राई करते हैं। इधर से छोटो इधर यहाँ पर लेकर ठीक है रखो। कैमरा में दिख रहा है तुम ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। पहुँच कहाँ रहा हाथ भी यार, आप तो लग रहे हैं जैसे हम लाइफ में फर्स्ट टाइम जा ही रहे हैं। इस वाटर पार्क में मुझे एक बेस्ट पार्ट लगा कि आपको हर जगह पर ग्रीनरी देखने को मिल जाएगा, प्लांट्स फ्लावर्स पौधे नए नए तरह की चीज़, जो कि ज़्यादातर वाटर पार्क में ये चीज़ नहीं होता, बट यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, तो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा। वाटर पार्क के अंदर सब जगह पर बैठने के लिए और खाने पीने का
मतलब स्टूडेंट छोटे मोटे जैसे मोमोज रोल्स कॉर्नर ये सब मिलते रहेंगे आपको एवरी जगह पर। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों के लिए व्यवस्था है, आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे अगर ड्राई राइड्स करना चाहते तो इधर में इंजॉय कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद है लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करके आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई साहब इधर कड़कनाथ घूम रहा है वाटर पार्क के अंदर, मेरा फेवरेट चिकन है।